हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमृत कौर। आई होप आप अपने घर में सेफ होंगे। स्टूडेंट, जैसा कि हमने अपने इस नए टॉपिक में जब स्टार्ट किया था, शिक्षण के प्रतिमान यानी कि जो हमारे मॉडल्स ऑफ टीचिंग है उसके बारे में हमने जब डिस्कस स्टार्ट किया था, तो अभी तक हमने उसमें डिस्कस कर चुके हैं कि मीनिंग ऑफ टीचिंग मॉडल क्या होता है। हम उसके बारे में पूरा डिस्कस कर चुके हैं। और जैसे कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में देखा था कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग मॉडल्स होते हैं वो क्या क्या हैं, और इनके जो अलग अलग जो हमारे अवधारणाएं हैं वो हमने अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी। तो उसी के आधार पर स्टूडेंट, आज जो हम अपना टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है इम्पॉर्टेंस ऑफ टीचिंग मॉडल, यानी कि शिक्षण प्रतिमान का महत्व। महत्व आप मुझसे मान सकते हैं, चाहे आप इम्पॉर्टेंस मान सकते हैं, दोनों ही चीज़ें आप इसको माना जा सकता है। स्टूडेंट, जैसे कि इसके आप लाभ कह लीजिए या महत्व कह लीजिए, वो इस प्रकार से हो सकते हैं। जो हमारा टीचिंग मॉडल है वो अलग अलग बहुत सारे सब्जेक्ट्स के हमारे गोल्स को जो है प्राप्त करने में बहुत उपयोगी सिद्ध होता है। इसमें हमारा सेकंड पॉइंट है, जो हमारे शिक्षण जो है, हमारा जो टीचिंग है हमारी, उसके प्रिंसिपल को, उसके सिद्धांतों को जब हम निर्माण करते हैं तो उनमें टीचिंग मॉडल्स का यूज़ बहुत ही ज़्यादा सिद्ध हो सकता है, कि उपयोगी सिद्ध होता है। इसके द्वारा जो हमारे टीचिंग प्लान्स हैं उनके लिए हम एग्ज़ाम्पल्स जो हैं वो सेट कर सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है, जो हमारे टीचिंग मॉडल्स हैं उसमें जो डाटा जो कलेक्शन होता है और उसको हम ग्रुप्स में बनाते हैं और उसको जो एक्सप्लेन करते हैं टीचिंग मॉडल्स में, वो हमारी बहुत हेल्प कर सकते हैं। इन हमारे टीचिंग मॉडल्स के द्वारा दूसरे जो अन्य शिक्षण प्रतिमान हैं, जैसे हमारे जो अन्य मॉडल्स हैं, वो तैयार किए जा सकते हैं, जो कि हमारे इंडियन सिचुएशंस के अनुरूप की तरह हो सके। शिक्षण के दौरान, जैसे हमारा जो टीचिंग है उसके दौरान, हमारी साइकोलॉजिकली जो हमारे जो पावर्स होती है उनके प्रयोग के लिए नए नए जो हमारे टीचिंग मॉडल्स हैं, हम उनका आविष्कार कर सकते हैं। टीचिंग मॉडल्स के द्वारा हम स्टूडेंट्स को पढ़ाने में और रोचकता, उनके इंटरेस्ट को और बढ़ा सकते हैं, उनमें और ज़्यादा इंटरेस्ट पैदा कर सकते हैं। जो हमारा टीचिंग मॉडल है उनकी हेल्प से शिक्षण के जो हमारे क्षेत्र हैं, जो भी हमारा जो टीचिंग एरिया है, उसमें हम बहुत अच्छी निपुणता को हासिल कर सकते हैं। यानी कि हम अपनी टीचिंग को निखारने के लिए अलग अलग तरीके के यूज़ कर करके मॉडल्स प्लान्स बनाकर हम उनको स्टूडेंट के साथ डिस्क्राइब कर सकते हैं। हम स्टूडेंट को नए से नए ज़्यादा ज्ञान की ओर प्रभावित कर सकते हैं। हमारे जो शिक्षण प्रतिमानों के द्वारा, यानी कि जो हमारे टीचिंग मॉडल्स हैं उनके द्वारा स्टूडेंट को कॉग्निटिव यानी कि ज्ञानात्मक जो उनकी एबिलिटी है, सामाजिक कुशलता है, यानी कि जो उनकी सोशल जो उनमें स्किल्स हैं और जो उनमें पर्सनल जो उनकी जो उनमें एबिलिटी है उनको डेवलप करने में हमें हेल्प मिलती है। नेक्स्ट हमारा इसमें पॉइंट आता है स्टूडेंट, जो हमारे टीचिंग वैल्यूज़ हैं, जो हमारी टीचिंग जो हमारी है उसमें जो इवैल्यूएशन है उसको स्पेसिफिक क्राइटेरिया हमें प्रस्तुत करते हैं। एक स्पेसिफिक हमारे पास एक क्राइटेरिया होता है जिससे जो स्टूडेंट है उसका हम इवैल्यूएशन करने में हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है, क्योंकि इसके द्वारा स्टूडेंट को ज़्यादा समझ में आता है प्रतिमानों के, यानी कि मॉडल्स के द्वारा। जब ज़्यादा समझ में आता है तो स्टूडेंट अपनी तरफ से ज़्यादा हमें आंसर करने को, ज़्यादा समझने को उत्सुक होता है, और हमारे क्वेश्चंस को जब उसकी क्वेरी सॉल्व हो जाती है तो हमारे क्वेश्चंस का आंसर भी वो बहुत अच्छे से दे पाता है, जिससे एक टीचर को सेटिस्फेक्शन होता है कि वो अपने काम को बहुत अच्छे से निभा रहा है। तो कहीं ना कहीं अपनी टीचिंग को निखारने के लिए हमें इन मॉडल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। स्पेशली अगर हम छोटी क्लासेस में देखें तो आप छोटी क्लासेस में इन मॉडल्स के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को समझा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें सिखा सकते हैं। स्टूडेंट, इसमें हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो है, जो हमारे शिक्षण प्रतिमान हैं यानी कि जो हमारे टीचिंग मॉडल्स हैं, वो हमारी जो टीचिंग लर्निंग टीचिंग जो प्रोसेस है, हमारा जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है, उसमें जो हमारी सर्च वर्क होता है, रिसर्च होती है, उसको करने के लिए एक वाइड जो हमारा एक
एरिया है, जो हमारा विशाल एरिया है उसको प्रस्तुत करते हैं, यानी कि इसमें एरिया की कोई कमी नहीं होती है। आप इसको जितना मर्जी बढ़ाकर, जितना मर्जी विस्तृत करके विशाल रूप से स्टूडेंट के सामने अपनी शिक्षा को प्रस्तुत करते हुए बहुत अच्छे से बढ़ा सकते हैं, जिससे आपके जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है, यानी कि जो आपका लर्निंग टीचिंग प्रोसेस है, उसको समझाया जा सके और उनके वेरिएबल्स का उल्लेख, यानी कि उसको डिस्क्राइब आप कर सकें, उसको आप मेंशन कर सकें, स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेजेबल बन सके, ताकि वो अपने आगे आने वाले लाइफ में, अपनी सोशल लाइफ में, अपनी एजुकेशनल लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।